पोटेंशियल बहुत है, अभी तो शुरुआत हुई है। हर इंसान शुरुआत के अंदर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत पोटेंशियल मिला तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ेंगी, तो उनका कितना प्रेशर होगा? मैंने इससे पहले भी जो किरदार किए थे सारे बड़े ही थे जी। मतलब अभी एक लीड मिला हुआ आपको एक तरह से, क्योंकि जहाँ भी आप दिखाई देंगे वहाँ पे लोग आपका हाथ जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये? मेरे लिए हर कैरेक्टर जो मैं लेती हूँ वो इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। एक ज़्यादा वरना मैं वैसे भी काम कम नहीं करती हूँ, और काम तभी करती हूँ जब कुछ बहुत ही बेहतरीन हो। तो ये मेरे कैरेक्टर्स में अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। नए लोगों के साथ कैसा रहा है, कैसे कोई स्टार्ट कर रहे हैं? लड़की बड़ी सुंदर है, नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, पोटेंशियल बहुत है, अभी तो शुरुआत हुई है। हर इंसान शुरुआत के अंदर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत पोटेंशियल है, बहुत सुंदर है। शेर सिंह ने पहले काम किया है, कॉन्फिडेंस है करने के लिए। जब इंसान में कॉन्फिडेंस होता है तो एक्टिंग आसानी से हो जाती है, और गुड लुकिंग है बहुत ही ज़्यादा, तो कपल दिखने में अच्छा लगता है। और रोमांटिक सीरियल में आपको अगर गुड लुकिंग कपल मिल गया तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ऑडियंस को कोई खास मैसेज देना चाहिए? देखिएगा, मज़ा आएगा, पागल औरत है भवरी देवी। आपने हमेशा मेरा काम देखा है और सराहा है, बस उसी की अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। कोई एक खास डायलॉग? कोई डायलॉग नहीं ऐसा होता सीरियल के अंदर, नहीं, मैं गब्बर सिंह नहीं हूँ, कितने आदमी थे बोल दिया। चलिए थैंक यू। अलग होगा ये सीरियल ऑडियंस के लिए? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, जैसे कि आप प्रोमो भी देख रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। रिस्पॉन्स भी प्रोमो देख के बहुत अच्छा है, सब वे मोस्ट अवेटेड सीरियल बोल रहे हैं लाइफ ओके का, तो हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट अवेटेड आपके लिए? मोस्ट अवेटेड नहीं है? यस, मेरे लिए भी बिल्कुल मोस्ट अवेटेड है। किस तरह का किरदार होगा आपका? दबंग टाइप का लग रहा है मैंने अभी देखा जी। ये समझ लीजिए पिछले 2 साल की सारी सलमान खान की सारी पिक्चरें उठा के आटा गूंथते हैं ना, आटा गूंथ लीजिए, वैसा एक कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। ही इज़ रूड, ही इज़ एरोगेंट, ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ पैशनेट लवर, बदतमीज़ है, बैड बॉय है, और बाकी सब क्वालिटीज इनको भी पता है। जो पहली झलक दिखाई थी उसमें आप बदतमीज नहीं नजर आ रहे? नहीं, बदतमीज आ रहे हैं। हाँ, बदतमीज नहीं है, ही इज़ अ सेवियर आल्सो, बट जनरली मतलब बात करने में बहुत हो गया यार गुड बॉय रोल प्ले करके। इट्स समथिंग डिफरेंट व्हिच आई हैव गॉट अ चांस टू प्ले, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई एम लिविंग अप टू द सोल ऑफ द कैरेक्टर। आई स्टिल हैव टू गो डीप इनसाइड इट। सो शेर तो अभी मतलब धाड़ना शुरू किया है, जब वो धाड़ेगा तो फिर आपको पता है कि उसका रॉर कैसा होगा। सो इट्स बेसिकली अभी और जोर से निकलेगी, थोड़ी तबीयत खराब है, बट इवेंचुअली लोग सोचते हैं नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर बहुत आसान होता है पोर्ट्रे करना, लेकिन ऑन स्क्रीन जाने पे बहुत मुश्किल होता है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको? कैरेक्टर कोई भी आसान नहीं होता है स्क्रीन पे जाने के लिए, कोई नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, या कोई भी कैरेक्टर हो। कैरेक्टर इटसेल्फ हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इवेंचुअली किस तरीके से आप कैरेक्टर को जी रहे हो, कैसे उस कैरेक्टर को सर्वाइव कर रहे हो, दैट रियली मैटर्स। हर कैरेक्टर डिफिकल्ट होता है, हर कैरेक्टर ईजी होता है, एज फार एज आई हैव लिव्ड द कैरेक्टर सो फार। लाइफ ओके इतना बड़ा ब्रांड है, इस पर आपका सीरियल पोर्ट्रे हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, तो कितना प्रेशर उस बात का पड़ता है कि हम इतने बड़े चैनल पर अपने आपको टेलीकास्ट करा रहे हैं? इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, ऑल चैनल्स आर गुड, दिस लाइफ ओके हैज़ रीच रियली हाई। जैसे आप मेरा पिछला शो था लाइफ ओके के लिए था, कैसा ये इश्क है, सो आई हैव सीन द बेबी ग्रोइंग इवेंचुअली, एंड आई हैव लाइफ ओके हैज सीन दिस बेबी ग्रोइंग, तो हम दोनों साथ में बड़े हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। एक ही फैमिली के हैं, एंड स्टार लाइफ ओके, सो इट्स रियली एक अच्छी फीलिंग आती है, जैसे कि आप अपना एक फैमिली का कोई मेंबर ले लो, जो बच्चा होता है उससे 4 महीने बाद मिलो तो आपको लगता है अरे बड़ा हो गया। सो इट्स अ ग्रोइंग थिंग, एंड ग्रोइंग ऑन अ वेरी ग्रेट हाइट। सो विशिंग द चैनल रियली वेल सक्सेस, एंड चैनल विशेज अस, विशेज मी एंड द न्यू कमर कीर्तिदा। हाँ, अब ये आप थोड़ा इसे पूछिए अच्छे से। जी बहुत ही अच्छे हैं गौरव जी एज अ को स्टार, ही मेड मी फील वेरी कम्फर्टेबल। मुझे ये मेरे से भी पहले बहुत शोज़ कर चुके हैं, बट इन्होंने मुझे बिल्कुल भी न्यू कमर जैसा नहीं फील कराया, ही मेड मी फील वेरी कम्फर्टेबल। इसको रिपीट मोड पे चला देना। ये मैसेज देगा, इट्स बेसिकली अबाउट द इट्स अबाउट लव, कि एक प्यार के लिए आदमी किस हद तक जा सकता है, और
कितना पैशनेट हो सकता है एंड अबाउट बीइंग पैशनेट एवरीबडी इज पैशनेट बट टू द स्केल वेयर ये शेर में क्या कैरेक्टर्स क्या मतलब क्या गुण हैं क्या कैसा है सो इट्स इट विल बी शोन वो भी एक ग्रो करेगा एकदम से हर चीज़ नहीं दिखा दी जाएगी प्यार के लिए क्या करेगा प्यार कैसे हासिल करेगा और किस तरीके से लेवल इसका ग्रो होगा सो ये कैरेक्टर जैसे मैं आपको बता रहा था कि सारी पिक्चरें मिला के एक आटा गूंद लो फिर आप उसकी रोटी बनाओ सो इट्स गोना बी दैट मल्टीग्रेन आई विल गिव द मैसेज एज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सो फार आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू ऑल जैसे कि हर बार मैं आपको थैंक यू बोलता आया हूँ एंड लेट्स जस्ट शाउट इट लाउड फॉर द न्यू कमर कीर्तिदा बोलने के लिए न्यू कमर है बट बहुत टैलेंटेड है सच बता रहा हूँ सो जस्ट विशेज लक विश द शो लक एंड लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स मेक दिस बेबी मैच्योर्ड मैन थैंक यू